नमस्कार, एसबीट न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 17 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी के कैनमोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी बोले, 2019 में एक विश्वास लेकर आया था और अब मोदी की गारंटी लेकर आया हूं। राम मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह दिल्ली रवाना, जीत के लिए पूरा दमखम लगा रहे दो बेनीवाल। सीकर में बेकाबू कार ई रिक्शा में घुसी, 3 गंभीर घायल। अब भारत खुद बनाएगा बुलेट ट्रेन और इसके डिजाइन पर काम जारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के नलबाड़ी में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था, 2019 में मोदी एक विश्वास लेकर आया और 2024 में मोदी असम की धरती पर आया है तब मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। छिंदवाड़ा प्रवास के दूसरे दिन बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऊंटखाना स्थित प्राचीन राम मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हुए और आज सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा समेत सभी पदाधिकारियों से 40 मिनट चुनाव को लेकर बातचीत की। पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश दुबे से बंद कमरे में चर्चा की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक दिन में दो बेनीवाल को सपोर्ट करके प्रचार अभियान में शामिल होंगे। पहले वे बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल के प्रचार अभियान में और फिर नागौर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के समर्थन में उतरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के लिए वोट अपील करेंगे। दोनों बेनीवाल जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जारी हुए कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह विशेष विमान से जयपुर से जैसलमेर पहुंचे, जहां वे कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम के समर्थन में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। सीकर में बावड़ी के नजदीक MM52 गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के सामने तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने के बाद ई रिक्शा में बैठे यात्री उछलकर सड़क पर जा गिरे। ई रिक्शा में सवार 3 यात्री टक्कर से कई मीटर दूर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब भारतीय स्वदेशी बुलेट ट्रेन की भी तैयारी कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारी ने कहा कि इस वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, जो पहले 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू रही थी। यह ट्रेन फिलहाल भारत में दौड़ रही किसी भी ट्रेन से तेज होगी। यह ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी और 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पकड़ सकती है। भगवान राम का जन्मोत्सव राजस्थान में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। पाली में पहली बार भगवान श्री राम चांदी के गहनों का श्रृंगार कर शोभा यात्रा में निकले हैं और वहीं जोधपुर में भी करीब 350 झांकियां रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होंगी और इसके साथ 29 अखाड़े भी इसमें होंगे, जो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अयोध्या में रामनवमी पर दोपहर 12 बजे से रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह पहला सूर्य तिलक है। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का 3 मिनट तक सूर्य तिलक किया गया। इसके लिए अष्ट धातु के 20 पाइप से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया है। आज सुबह 3:30 पर मंदिर के कपाट खुल गए और आम दिनों यह 6:30 पर खुलते हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार शारीरिक शिक्षकों को राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थानों में विभिन्न खेलों में 1 वर्षीय नियमित डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग में प्रवेश दिलाकर दक्ष करेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी निर्देशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके अधीनस्थ सरकारी स्कूलों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के खेल संस्थानों में से 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करने के आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं। वेदांता लिमिटेड को जीएसटी टैक्स का नोटिस मिला है। कंपनी ने इस बारे में मंगलवार को बताया कि वेदांता को वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 27.97 करोड़ रुपए के जीएसटीसी के जुर्माने का आदेश मिला है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये फाइन वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकॉन्सिलेशन से जुड़े विवाद से संबंधित है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को जोधपुर के निजी केंद्र में उपचार करवाने का समय बढ़ाते हुए आवश्यक निर्देश के साथ आवेदन को निस्तारित कर दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 21 मार्च को कोर्ट की अनुमति के बाद आसाराम को सेंट्रल जेल से जोधपुर आरोग्य धाम आयुर्वेद सेंटर में 25 मार्च को भेजा गया। वहां उपचार शुरू हुआ, जिसका लाभ 2 अप्रैल को मिला और 2 अप्रैल को उन्हें वापस सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। भर्ती परीक्षाओं का दौर अब मई से शुरू होगा। आयोग परीक्षा तिथियां पूर्व में जारी कर चुका है। बीते मार्च में आयोग ने सहायक आचार्य पीटीआई और लाइब्रेरियन भर्ती 2023 के 15 विषयों की परीक्षा कराई थी और अब सहायक आचार्य के बकाया 27 विषयों की परीक्षा मई जून में कराई जाएगी।
लोकसभा चुनाव के पहले फेज की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का आज बुधवार को आखिरी दिन है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव के पूरे शेड्यूल की घोषणा की थी। राजस्थान सरकार में मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने मंच से सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी। डॉ. किरोड़ी ने सरकारी कर्मचारियों पर बीजेपी के लिए माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए चुनाव के बाद हिसाब करने की बात कही। मंगलवार शाम को दौसा के लालसोट के रामगढ़ पचवरा में मीना आम सभा में उन्होंने कहा कि सभी की लिस्ट तैयार हो रही है और सभी का हिसाब होगा। जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों ने 12 अप्रैल तक लाखों रुपए खर्च कर दिए। जिला निर्वाचन कार्यालय को दी गई जानकारी के अनुसार भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह 22,95,252 रुपए विभिन्न मदों में खर्च कर चुके हैं। दोनों ही प्रत्याशियों की ओर से दिए गए हिसाब के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी ने 6,000 रुपए की चाय पिलाई, जबकि शेखावत ने 5 गुना ज्यादा 31,000 रुपए की चाय पिलाई। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी ने 9,470 रुपए के नमकीन भी खिलाए हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट सुपर हॉट बनी हुई है। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इस चुनाव में भाटी के खास दोस्त अशोक गोदारा बाड़मेर जैसलमेर से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अशोक गोदारा ने बताया कि वे भाजपा की विचारधारा से पहले ही प्रभावित थे, पहले इस परिवार से जुड़े नहीं थे और अब इस परिवार से जुड़ गए हैं। यह विचारधारा की लड़ाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।